मॉर्निंग गाइस, आज घर से निकले हैं और आज है अपनी गाड़ी का काम और आज हम कराने वाले हैं अर्टिगा की सर्विसिंग और काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और आज है रेडिएटर का काम क्योंकि गर्मी का मौसम भी है और वैसे भी ड्यू हो चुका है रेडिएटर का काम। और यूजुअली क्या है कि इंडिया में मैक्सिमम लोग काम तभी कराते हैं गाड़ी का जब वो काम आ जाए या कुछ गाड़ी में कुछ ख़राबी हो जाए। यूजुअली क्या होता है कि 10% से भी कम लोग हैं जो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग ऑन टाइम कराते हैं। सो मेरे हिसाब से वही है कि आपको अपना गाड़ी का जो सर्विसिंग है ऑन टाइम कराना चाहिए और चाहे एसी हो चाहे रेडिएटर हो ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर जो भी कुछ भी गाड़ी का काम हो उससे टाइम टू टाइम सर्विसिंग करना चाहिए। आपको ऐसा वेट नहीं करना चाहिए कि कब वो ख़राब होगा तब उसे चेंज करेंगे। और यूजुअली मैंने ये जो प्रैक्टिस देखी है ये मैंने यूएस में देखी है। यूएस में क्या होता है कि लोग अपना गाड़ी का जो सर्विसिंग है वो टाइम टू टाइम कराते हैं भले वो पार्ट खराब हो या ना हो। सो मेरे हिसाब से हमें भी अपनी गाड़ी की सर्विसिंग टाइम टू टाइम करानी चाहिए, इससे क्या गाड़ी हेल्दी रहती है, हेल्दी रहेगी तो आपको कभी रास्ते में दिक्कत नहीं देगी। सो बस यही है गाइस, अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं गैराज और फिर काम करेंगे अपने रेडिएटर का। सो फाइनली गाइस यहाँ पे पहुंच गए और अब निकालेंगे गाड़ी का रेडिएटर, उसके बाद देंगे उसको वॉशिंग के लिए और छोटी छतरी सेट कर दी और गाड़ी का अभी हमने खोल दिया है बोनट और अब निकलेगा ये गाड़ी से रेडिएटर। तो फाइनली बोनट तो आ गया नीचे, अब जो रेडिएटर है उसको निकालना है यहाँ से। सो फाइनली रेडिएटर निकाल दिया बाहर और अब इसको भेजेंगे क्लीनिंग के लिए। तो फाइनली गाइस आफ्टर 1 आवर हमारा जो रेडिएटर है वो आ गया क्लीन होके और अब इसको फिट करेंगे। तो फाइनली गाइस हो गया हमारा रेडिएटर का काम और लकीली ज़्यादा चौक नहीं था सो ऑन टाइम काम हो गया और थोड़ा मतलब फिटिंग तो ऑन टाइम हो गया, थोड़ा रेडिएटर को आने में टाइम लग गया था, एक घंटा करीब करीब 2 घंटे हम लोगों ने वेट किया रेडिएटर आने का और अब उसके बाद फाइनली थोड़ा कूलिंग अच्छी हुई है। सो वही है कि अपनी गाड़ी थोड़ा सर्विसिंग करो ऑन टाइम तो इससे क्या है कि गाड़ी टकाटक रहती है और कहीं परेशानी भी नहीं देती और अब हम लोग फील कर सकते हैं रेडिएटर का चेंज करने के बाद एंड और अभी अच्छा लग रहा है। कूलिंग है रिश? हाँ कूलिंग अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही है ना, पहले से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? फर्क ज़रूर पड़ता है। सो गाइस अभी आए थे डैड के ऑफिस में और अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हो एक ट्रेन आ रही है। सो बेसिकली ये जो रैक है यहाँ पे अभी अनलोडिंग होगा और इसमें आता है स्टील फ्रॉम विशाखापट्टनम। सो अभी आप देख रहे हो ट्रेन आ रही है और यहाँ पे ये फाइनली अनलोड होगी और बेसिकली इंजन कट चुका है और इंजन जो यहाँ से चले जाएगा और विद इन 8 आवर्स ये जो रैक है ये यहाँ खाली करने होते हैं। अनलोड होने के बाद वापस इंजन जो बाकी बचे हुए वैगन है उनको लेके चले जाएगा। तो ये है WD G4 गुड्स।
अपनी घर आ गए और ट्रैफिक को देखो। खुद बस गाइस, आज का दिन यही खत्म होता है। मॉर्निंग से गए थे, गाड़ी का काम वाम कराया, तो अपने ऑफिस का काम भी किया और उसके बाद फाइनली हो गए फ्री। और अब देख रहे हैं मैच, आज चल रहा है आरसीबी वर्सेस आरआर के बीच में। फाइनली मैच हो गया ओवर एंड आरसीबी जो है वो जीत गई। लास्ट टाइम भी जो दिनेश कार्तिक ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, और सेम इस बार भी अपनी टीम को जिताने के लिए दिनेश कार्तिक ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की और जिसकी वजह से आरसीबी जीत गया। तो बस गाइस, आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।